नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक में जो भयंकर गिरावट हो रही है दोस्तों, और आज उसने एक अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ा है, इस बारे में चर्चा करेंगे। और इस बारे में भी आपको मैं कुछ चीजें समझाऊंगा कि क्यों ये गिरावट वोडाफोन आइडिया के कारण नहीं हो रही है। दोस्तों, ये गिरावट वोडाफोन आइडिया के कारण, ये जो आइडिया और वोडाफोन का जो बैंकरप्ट होने का जो न्यूज आ रही है, उसका केवल छोटा सा हिस्सा मात्र है। मेन प्रॉब्लम जो है वो मैं हम आगे डिस्कस करेंगे। और क्यों कहेंगे कि आप किसी की चीज बात कई बातों पे एक बार भरोसा करते हैं, दो बार करते हैं, हर एक क्वार्टर के बाद सामने आके अगर आप सेम कमेंट्री करेंगे तो क्यों वो घातक हो सकता है और क्यों वो नेगेटिव इंपैक्ट करता है आपके शेयर के ऊपर, और ये सब मैं चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों देखिए, ये है IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर, और आज इसने ना ₹45 का अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दोस्तों तोड़ दिया है। ठीक है, आप देखिए कि ₹45 का लेवल तोड़ा गया है। आपको मैं एक चीज दिखाता हूं दोस्तों, ये पिछले एक महीने में आप देखिए लगभग 15% का, और पिछले 6 महीने में 20% से भी ज्यादा का इसने अपने शेयर होल्डर्स का पैसा बर्बाद किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब इतने COVID-19 की पैंडेमिक आई थी, उसके बाद ये ₹60, फिर ₹62 तक ये दोस्तों गया है। आप देखिए 52 वीक हाई इसका 69.30 है, और अब वहां से आज ये 44.80 में ट्रेड कर रहा है। मतलब आप बताइए मुझे कि ये रिटेल इन्वेस्टर को कैसे फंसाया जाता है दोस्तों। ये सिंपल फंसाया जा रहा है। आप देखिए होंगे कि सब IDFC चारों तरफ बातें कर रहे थे कि भाई खरीदो खरीदो खरीदो, और मेरा वीडियो उठा के देखिए, मैंने कहा था ₹40, जब तक ये ₹40 नहीं नीचे जाएगा नहीं खरीदेंगे। एक बार दोस्तों ये गया भी था, और 39 के आसपास है ना ये बाउंस बैक करके फिर ₹55 तक की रैली दिखाया था, और उस समय सब कह रहे थे उसकी सर देखिए एकदम भाग के ऊपर आ गया है। मैंने तब भी कहा था आप कभी भी अपने फंडामेंटल से दूर कितना भागोगे, मार्केट में कभी भी दोस्तों भागते हुए शेयर को नहीं पकड़ना है, मैंने हमेशा कहा है। अब दोस्तों देखिए, जब ये गिरेगा ना तो ये ₹35 के आसपास एक अच्छा बाइंग जोन पाएगा। ठीक है, और वहां भी दोस्तों याद रखिएगा जो बल्क बाइंग है, यानी इकट्ठा पैसा हमें कभी नहीं लगाना है दोस्तों, केवल छोटे छोटे अमाउंट हमें एक्यूमुलेट करना है दोस्तों। ठीक है, एक्यूमुलेशन यही होता है कि जब एक अच्छी कंपनी बुरे वक्त से गुजरे तब उसे छोटे छोटे अमाउंट में एक्यूमुलेट कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए जब लोग कहते थे ना ये IDFC फर्स्ट HDFC बैंक बनेगा, मैंने तभी कहा था भैया जब ये HDFC बैंक बन रहा था ना, उस समय उसके साथ तीन चीजें थी। पहला, इतना कॉम्पिटिशन नहीं था दोस्तों मार्केट में। ठीक है, एक ह्यूज वैक्यूम था मार्केट में, तो उस समय कंपनी को खड़ी करना एक अलग बात थी, और आज कंपनी खड़ना बहुत ज्यादा अलग बात है दोस्तों। सेकंड, मैनेजमेंट वहां की दोस्तों बहुत अच्छी थी। ठीक है, थर्ड दोस्तों, जो 2008 का आपको याद होगा जो लेमन ब्रदर का क्राइसिस आया था, उस वक्त इसने जो स्ट्रेस उठाया दोस्तों HDFC ने, वो इसे आज का HDFC बनाते हैं। और ये बात दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक के लिए कई मायनों में गलत होती जा रही है दोस्तों। ठीक है, क्यों है दोस्तों, क्योंकि आप देखिए कि जो HDFC फर्स्ट बैंक है ना, आज ह्यूज कंपटीशन है इसके सामने, ह्यूज। ठीक है, सेकंड भैया, आज का मार्केट वैसा नहीं रह गया है जैसे पहले था, प्लस मैनेजमेंट है तो बहुत अच्छी दोस्तों, वैद्यनाथन साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब वो थोड़ी चीजें गड़बड़ होती दिखाई दे रही है दोस्तों। ठीक है, तीसरा, जो IDFC फर्स्ट बैंक है दोस्तों, उसमें जो वो HDFC फर्स्ट बैंक जो स्टेप्स लिए थे 2008 में, वो वुहान वायरस जो क्राइसिस आया है हमारे यहाँ, उसको लेते हुए नहीं ले पा रहे हैं दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक। आप देखिए इस बार भी 630 करोड़ का लॉस किया गया है, जबकि मार्केट का एस्टिमेट था कम से कम 85 करोड़ का ये प्रॉफिट करेंगे दोस्तों। ठीक है, 85 करोड़ का ये प्रॉफिट देंगे। लगातार इनके स्ट्रेस बुक जो है दोस्तों बढ़ा हुआ है, और दोस्तों अब जो वोडाफोन का और आइडिया का आया है ना जो न्यूज है, वो आग में घी का काम किया है दोस्तों। उसने आग नहीं लगाई है, वो आग में घी का काम कर रहा है। और आप देखिए टोटल लोन बुक का 3% है दोस्तों वोडाफोन आइडिया, तो ये बहुत ज्यादा डेंट मार रहा है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक को, और आपको ये समझना पड़ेगा। अब ये मैं बताऊं, जिसका नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट ये बहुत निर्णायक साबित हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अगर गलती से लॉस आता है, आप देखिएगा जिस प्रकार का इसमें डिप आएगा आप सोच नहीं सकते। इसीलिए मेरा कहना है दोस्तों, हो सकता है तो अभी दूर रहे फाइनेंशियल मार्केट से, और खासकर ऐसे बैंकों में HDFC बैंक या जितनी कोटक महिंद्रा बैंक है उनके वैल्यूएशन थोड़े अट्रैक्टिव चल रहे हैं दोस्तों, इसीलिए आप वहां जाके निवेश करने का एक बार सोच सकते हैं।
ठीक है। आपको मैं एक दिखाता हूं, इसके थोड़े से फंडामेंटल चलते हैं। तो आप देखिए 28,000 करोड़ की कंपनी दोस्तों ये, और 10 रुपए का फेस वैल्यू है, जो सबसे अच्छा चीज मुझे लगता है। ठीक है दोस्तों, 10 रुपए की फेस वैल्यू का ये है। आप देखिए इसके प्रोज और कॉन्स में जाएंगे, तो प्रोज अभी एक भी नहीं दिखा रहा, और इसके कॉन्स देखिए। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर 3.42%। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -8.92% ओवर लास्ट 3 इयर्स, ठीक है। आप ये देखिए दैट कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज ऑफ रुपीज, मतलब ये देखिए आप 2,81,368.59 करोड़ है ना। अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम ऑफ रुपीज, इनकी अदर इनकम बहुत ज्यादा इनके साथ दे रही है दोस्तों, यानी कि उनका मेन है ना दोस्तों लोन, वो उनका काम नहीं कर रहा उतना अच्छा जितना इनका अच्छा था। तो देखिए इनके साथ क्या अच्छा चीज है, इनका कासा रेशियो बहुत अच्छा बढ़ा है दोस्तों। कासा मतलब करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, इसको आप छोड़ दें। प्लस इनके जो दोस्तों इन्होंने जो अपना वो बढ़ाया है, जो ब्रांचेस को ओपन किया है, वो बहुत अच्छे तरीके से किया है दोस्तों, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों इनके साथ प्रॉब्लम यही है कि इनके जो रिटेल लोन बुक है ना, वो स्ट्रेस में आ रहे हैं दोस्तों। और सिर्फ इनके ही नहीं, आप देख रहे होंगे जो बड़े से बड़े बैंक हैं उन तक के अब लोन बुक इतने स्ट्रेस में है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कैसे उसे अच्छा रह सकता है। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा है कि बैंक्स में ना हमेशा ध्यान से हमको काम करना है दोस्तों, ठीक है। खासकर इन छोटे बैंकों के समान अभी मिड कैप बैंक जो है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी, लॉन्ग टर्म के लिए मैं आज भी इस बैंक में बहुत बुलिश हूं दोस्तों, ठीक है। इनके पास अभी जो सबसे बड़ी भरी परीक्षा की घड़ी है वो है Q2 के रिजल्ट, प्लस कोविड के जो थर्ड वेव अगर आती है दोस्तों, ठीक है, तो वो बहुत डिजास्टर होगी दोस्तों पूरे पूरे फाइनेंशियल मार्केट के लिए। इसीलिए थोड़ा सा हमें अभी ध्यान रखना है दोस्तों, थोड़ा सा शांत रहना है और सही डिसीजन देना है ठंडे दिमाग से दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा नीचे लेकर के जाऊं, इनके शेयर होल्डर पैटर्न्स को दिखाऊं, तो आप देखेंगे कि कुछ चीजें दोस्तों अच्छी हैं, ऐसा नहीं कि सब खराब है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। जहां मार्च से जून में इन्होंने जो प्रमोटर अपनी स्टेक कम की है दोस्तों, ये देखिए आप पाएंगे कि FIS ने अच्छा खासा स्टेक बढ़ाया दोस्तों, ये देखिए 11.88 से सीधा 15.9%, यानी लगभग 3-4% का इसको अच्छा खासा जंप है दोस्तों ये, ठीक है। DIS ने अपनी होल्डिंग उन्होंने भी बढ़ाई है दोस्तों, ठीक है। गवर्नमेंट ने अपनी स्टेक हल्की सी स्टेक कम की है, और पब्लिक ने दोस्तों हल्की सी बढ़ाई, जो थोड़ा फ्लैटिश है। लेकिन FIIs और DIIs का बढ़ाना एक अच्छा संकेत मैं शायद बोल सकता हूं दोस्तों, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि भैया ये बैंक ना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है दोस्तों, और करंट वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए दोस्तों, अगर ये 40 का तोड़ेगा ना तो ये बहुत सीवियर पेन में चला जाएगा, और फिर 36 से आराम से 36-38 के जो गेट है रुपीस पर शेयर के, वो तुरंत खुल जाएंगे दोस्तों। और अगर 36-38 जाता है दोस्तों, तब हमें इसमें एक्यूमुलेट करने की कोशिश करनी है दोस्तों, वहां धीरे धीरे हमें जो बैंक है उसे बैंक के शेयर को एक्यूमुलेट करना है दोस्तों। और हमेशा याद रखना है एक जो सबक जो IDFC फर्स्ट बैंक देता है, कभी भी दोस्तों भागते हुए बैंक में अपनी पोजीशन नहीं बनानी है दोस्तों, हमेशा समझ के हमेशा खरीदारी करने से पहले शेयर के ऊपर अच्छे से हमें रिसर्च करना है। कोई कुछ भी कहे, मैं भी चाहे कुछ कहूं, आपको खुद से रिसर्च करना है दोस्तों, ठीक है। यूट्यूबर क्या बोल रहे हैं, मैं टीवी वाले क्या बोल रहे हैं, ये जरूरी नहीं है दोस्तों, आपको खुद दिमाग लगाना ही समझना है कि वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट में हर चीज है दोस्तों, भाव भगवान है। ये वर्ड हमेशा जब भी आप याद रखेंगे ना, स्टॉक मार्केट में कभी लॉस बुक नहीं करेंगे। कोई शेयर खराब अच्छा नहीं होता दोस्तों, जो चीज अच्छी होती है वो उसकी वैल्यूएशन होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत था, धन्यवाद, जय हिंद।